स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दो वर्ल्ड कप के बीच में इतना टाइम गुजर गया है, आपको अभी चांस मिला पिछले मैच में, अभी 9 विकेट दो गेम में, आठ विकेट दो गेम में, हैट्रिक भी, आप क्या महसूस कर रहे हो? देखिए, फीलिंग की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आप जब होल ईयर जब आप परफॉर्म करते हैं और जब टीम का कॉन्फिडेंस जब ऊपर होता है तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि सारे लोग एक साथ चलते हैं। और हमारी टीम का एक प्लस पॉइंट ये है कि कोई भी अगर परफॉर्म ख़राब भी करता है तो उसको साथ लेकर चलते हैं और हमेशा उसको बैक करते हैं। तो यही एक फीलिंग की जहाँ तक बात है, और वर्ल्ड कप में आप अगर एक साथ होकर और ऐसे परफॉर्म करते हैं तो उससे बड़ी चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती। आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा बोल सकते हो? 2015 से 2018 तक आप वनडे रैंकिंग में नहीं थे, मगर आप सडनली आ गए वापस और ऐसा चैंपियन, और आप विकेट पे विकेट लगातार ले रहे हैं। देखिए, जहां तक वनडे रैंकिंग का सवाल है, आप खिलाओगे तो वनडे रैंकिंग में बंदा रहेगा। जब आप किसी भी हाँ रिकमेंड में भी अगर आप खेलोगे नहीं तो कहाँ से रहोगे? तो मेरा वही सवाल है, अगर आप खेलोगे तो रहोगे। तो मेरा हिसाब, मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा था कि आप अगर चांस मिलेगा तो मैं उसको कैश करने की कोशिश करूँगा, और बस अपनी लाइन और लेंथ पे फोकस कर रहा हूँ, टीम के लिए बेटर करने का देख रहा हूँ। बस एक ही चीज़ है कि आप अपने एग्जीक्यूट अच्छा कीजिए और बस अपने प्लान पे स्टिल रहिए। देखिए, आप लंबा प्रोसीजर, आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप कंटिन्यू आप जब वर्क करेंगे एक चीज़ पर तो आपको रिजल्ट मिलते हैं ज़रूर। और जहाँ तक सीम का सवाल है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी बॉल का सीम सीधा रहे, और मैं ऑफ द पिच मेरा ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि कट करता है, सीम करता है, वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है, और आज को देखने को भी मिला। मैं हमेशा नई बॉल यूज़ करना पसंद करता हूँ नेट्स में भी, और जब हम लोग सीम पोजीशन के बारे में जब हम बात करते हैं और जब प्रैक्टिस करते हैं इन द एयर में, तो वो चीज़ कोशिश करते हैं कि नई बॉल के साथ अपनी सीम का पता होना चाहिए, आपको कहाँ किस वे में जा रही है, अंदर डाल रहे हैं बाहर डाल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, आप स्पेशल एक बॉल के बारे में पूछेंगे तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप सुबह से देख रहे थे कि बॉल ज़रूर हरकत में था, क्योंकि कट भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, और आपका बाउंस भी प्रॉपर नहीं था। तो एक ही चीज़ थी आपको देखने के लिए कि आप बस अपनी लाइन और लेंथ पे फोकस करें, 268 रन काफ़ी हैं फिर आपके लिए। आपको पता रहता है बॉल किस तरफ जाएगी? ओबियसली अगर पता नहीं होगा तो आपको विकेट कहाँ से मिलेगा।